भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये ऐसा ये समय था जहां वो और कुछ नहीं तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने के लिए दबाव ही बढ़ा था। लालू प्रसाद ने पहले चरण के चुनाव के बाद 4 सीटों पर चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि वहां भी जबरदस्त माइंड गेम लालू प्रसाद ने खेला। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी, कठिन घड़ी आने लगी थी और यहां से भारतीय जनता पार्टी उस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए दबाव की राजनीति करना शुरू कर दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मुद्दे की बात में आज हम बाबा के साथ चर्चा करेंगे। बिहार में मतलब कहें जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर के क्या सरगर्मी है। मतलब भाजपा ने एक तरह से बढ़ा दिया है दबाव, कांग्रेस ने कर दिया है सरेंडर और तेजस्वी को हो गई है टेंशन या हो रही है टेंशन। चिराग नीतीश पलटेंगे गेम। अब इस पूरे लाइन का मतलब हम बाबा से समझेंगे, जो बीजेपी ने किस तरह से बढ़ाया है दबाव, तेजस्वी को कैसे हो गया है टेंशन, कांग्रेस क्यों कर गई है, क्यों कर रही है सरेंडर या कर दी है सरेंडर, क्या अंत में नीतीश और चिराग ही लगाएंगे बेड़ा पार। बाबा समझेंगे, बाबा क्या इसका मतलब है, ये बीजेपी का दबाव लिखने का क्या मतलब है या कहने का मतलब। देखिए, चुनाव को आप आम जीवन से जोड़ लीजिए, दैनिक दिनचर्या से या किसी खेल से जोड़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि दबाव होता क्या है। दरअसल कल एक मैच देख रहा था मैं, उस मैच के दौरान मैंने देखा कि जिस टीम को आसानी से फाइनल फोर में पहुंचना चाहिए था उसी दबाव के कारण वो टीम जो है बिखर गई, और ऐसी वैसी नहीं बिखरी, बिखरी ऐसी कि वो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाई। जैसे ही चुनाव ये शुरू हुआ था उससे पहले आपको याद होगा कि माइंड गेम जो चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की घोषणा होने से पहले, चुनाव की सुगबुगाहट से पहले उन्होंने भरे सदन में सबके सामने ये कहा कि वो 400 के पार इस बार लाएंगे और नरेंद्र मोदी पर सारा दारोमदार आ गया। उनकी टीम भी असमंजस की स्थिति में थी, उधेड़ बुन कर रही थी कि आखिर हम लोग किस आधार पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रखेंगे। जबकि आपको याद होगा कि जब NDA के घटक दल के साथी जो भी हैं उनके सांसद जब अपने क्षेत्र में जाते थे, कुछ को छोड़कर मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों का जो मिजाज था वो काफ़ी उससे नाराजगी भरा था। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दबाव को और बढ़ाने के लिए राम मंदिर का सहारा लिया। राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ आपको, आप देखे होंगे कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, पूजा पाठ की तैयारी चल रही थी, लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा था, विपक्ष की भूमिका क्या थी, तब नीतीश कुमार भी उससे अलग ही थे। और आपको याद होगा कि कई लोगों ने निमंत्रण स्वीकार तक नहीं किया था, कांग्रेस के कई लोगों ने, नीतीश कुमार खुद नहीं गए थे, बहाना चाहे जो भी बना दे, लालू परिवार से कोई नहीं गया था, केजरीवाल तक नहीं गए थे, यानी कि जो उसका हिस्सा था वो उसमें शामिल नहीं हुआ था नरेंद्र मोदी विरोधी गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये ऐसा ये समय था जहां वो और कुछ नहीं तो 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त करने के लिए दबाव ही बढ़ा सकती थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको किया। इसके बाद ये दबाव धीरे धीरे जो है लालू प्रसाद ने कम कर दिया। लालू प्रसाद ने पहले चरण के चुनाव के बाद 4 सीटों पर चुनाव हुआ, आपको याद होगा कि वहाँ भी जबरदस्त माइंड गेम लालू प्रसाद ने खेला, अपने किसी भी सहयोगी दल से बिना कोई सलाह मशवरा किए 4 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, कोई सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई और चारों की चारों पहले चरण की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार करके लालू प्रसाद ने उस दबाव को कम करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जितना दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी उतना ही ज़्यादा उसका करके, जैसे आप देखते होइएगा ना कि जब तेल खत्म हो जाता है तो बासनी बाती उसकाना पड़ता है, यही काम लालू प्रसाद घर में बैठे बैठे करना शुरू कर दिए। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी, कठिन घड़ी आने लगी थी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए दबाव की राजनीति करना शुरू कर दी। चिराग पासवान का, अन्य लोगों का और सबसे बड़ा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बयान को आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे तो वो एक ही बात कह रहे हैं, जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार हो जाने दीजिए, लाल घर भेज देंगे सबको। दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार का सुन लीजिए, चुनाव हो जाने तो सबको बताते हैं, सबकी जांच करवाएंगे। इसके मायने क्या है,
इसके मायने हैं कि आप दबाव बना रहे हैं और इस दबाव में आज बिखरे हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। दबाव बना रहे हैं कि दबाव में हैं ये लोग? नहीं, दबाव में तो रहेंगे ना, जब दबाव बनाया जाएगा तभी दबाव में कोई रहेगा। सामान्य बातों में कहा, नीतीश कुमार इससे पहले दबाव में थे, भारतीय जनता पार्टी का दबाव था उन पर, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल गए, दबाव खत्म हो गया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, मुकेश सहनी ने का जो बयान आया है आज, उस बयान के बाद ये साफ लग रहा है कि वास्तव में दबाव है और इस दबाव में मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं उनके एग्रेशन में कमी आई है, कमी आई है। इसके अलावे अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, जो बचे हुए 21 सीट है जिसमें से 5 सीटों पर कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 16 जो बाकी सब बचे हुए जो सीट हैं दो चरण में, छठे और सातवें चरण में, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अपने पाले में रखना चाहती है। और हम पहले भी बता चुके हैं, आपको याद होगा कि जो 21 सीटें हैं, 21 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल बनाम बीजेपी से ज़्यादा जेडीयू बनाम आरजेडी अभी भी बहुत सीटों पे चुनाव है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव जो लड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी और आरजेडी में मात्र 2 सीटों पे भिड़ंत बाकी है, जिसमें एक तो आपको कल ही खत्म हो जाएगा और एक सीट वैशाली बच जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस 5 सीटों पे चुनाव है। इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना आगे, अब जब हम लोग बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे ही, सब कुछ दांव पे लगा देंगे। लेकिन लेकिन जेडीयू वर्सेस सीपीआईएमएल, आपको पता है कि 3 सीटें सीपीआईएमएल की बची हुई है, तो 3 सीटें मिली थी, 3 सीटें बची हुई हैं उनकी, एक जेडीयू के साथ है, एक बीजेपी के साथ है, एक आरएलएम के साथ है। उसके बाद बीजेपी और वीआईपी 1 सीट और जेडीयू वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब इस पूरी कहानी में जब दूसरे खेमे में हम आते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे कि जैसे ही कांग्रेस के नाम लेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे, तो कांग्रेस का सरेंडर साफ नज़र आ रहा है। बिहार में कांग्रेस लड़ रही है क्या? हाँ, ये सवाल आपने बढ़िया सवाल पूछा है। 9 सीट पे ऑफिशियली लड़ रही है, ऑफिशियली लड़ रही है, लेकिन ऑफिशियली उसके कोई बड़े नेता दिखे नहीं। जो भी बड़े नेता दिखे हैं, आज भी जयराम रमेश आए सदाकत आश्रम तक ही सीमित रहे, कल आए थे सलमान खुर्शीद सदाकत आश्रम आए, चादर पोसी किए फुलवारी शरीफ जा करके, पटना सिटी जा करके वापस चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिखे एक जगह, शायद कहीं छोटा सा एक जी। स्कूल के ग्राउंड में छोटा सा उन्होंने भाषण दिया, और एक भागलपुर में शायद राहुल गांधी आए। मतलब पूरा चुनाव खत्म होने को है, कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय स्तर के नेता, खड़गे को तो कौन बिहार में जानता है, तो आप भी हम सब जानते हैं। तो हमको नहीं लगता है, जो हमको तो ये लग रहा था जो कहीं कांग्रेस सीन से आउट तो नहीं है। खड़गे की जिस रैली की चर्चा आप कर रहे हैं और राहुल गांधी की जिस रैली की आप चर्चा कर रहे हैं, उस रैली में एक शख्स का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है। रात में जब ये मालूम हो गया कि खड़गे का वहाँ रैली होगा, जब खड़गे को ये पता चला कि वहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं हुआ है, इंतजाम ही नहीं है और वहाँ भीड़ भी नहीं होगी, परमिशन भी नहीं लिया गया, खाली मैदान को संबोधित करने के लिए वो तैयार नहीं हुए, तब तक स्थितियाँ बदली। और एक ऐसे शख्स जो पान समाज से आते हैं, आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता को फोन जाता है रात में कि कल रैली है, कैसे सफल हो सकता है। ये वही आईपी गुप्ता है जिनको कांग्रेस ने लोली दे करके लेमनचूस चिसा सुझा के रखा गया, लॉलीपॉप दिखा करके। और जब जब कांग्रेस मुसीबत में आती है तो वो अपने लोगों को लेकर के खड़ा होते हैं, क्योंकि उनके लोगों की संख्या, जैसा कि मेरी जानकारी है, अब आंकड़े तो हमने गिने नहीं हैं, सरकार ने गिना है, लेकिन अगर आंकड़े वो सही हैं तो इनकी 50 लाख के आसपास संख्या है। इस पूरे समाज को अगर जोड़ के देखा जाए तो 50 लाख के आसपास संख्या है। पूरे बिहार की 400 सीट पे कहीं ना कहीं लोग हैं, पूरे देश भर में इनकी संख्या है। और जहाँ अपान समाज की बात होती है, वहाँ आईपी गुप्ता का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि अपने समाज को उन्होंने इलिटरेट भी किया है, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, समाज को रोजगार दिया है, समाज के लोग उनके साथ समर्पित भाव से रहते भी हैं। और रात के अंधेरे में उन्होंने लोगों को फ़ोन किया, चूँकि हमारी टीम वहाँ उस समय थी समस्तीपुर में ही, तो जो जानकारी हमें मिली उसमें करीब 1000 के आसपास लोगों को पान समाज के आईपी गुप्ता के कहने पर उस मैदान में जुटाया गया था। खैर, इन सब बातों से अगर आगे हम बढ़ें तो हम बात कर रहे थे कि 5 सीटों पर अभी भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है। ठीक है, आपको याद होगा कि हम बार बार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पेच फंसाया है ना कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव 17 में से 17 कैसे जीते, इसके लिए उसने प्रबंध किया है। मात्र 4 सीटों पर उसका
राष्ट्रीय जनता दल से सीधा मुकाबला है, बाकी के जो 13 सीट हैं उस पर अन्य दलों से मुकाबला है। तो यानी कि 13 सीटें तो उसने ये लगभग कंफर्म कर लिया है कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जैसा कि आपने बताया भी और हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि कई स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उन्हें स्टार प्रचारकों में से स्टार है लेकिन प्रचारक नहीं है, आपको कहीं नजर दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं। और एक तरफ जहां कांग्रेस ने लालू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको याद होगा कभी कभी बचपन में हम लोग सुना करते थे या देखा भी कि हमने कई बार स्पोर्ट्स, मेरा एक बहुत लंबा नाता रहा है, कई संस्थानों का मैं अध्यक्ष हुआ करता था या कोच हुआ करता था। मैंने देखा है कि जब हमारी टीम मजबूत थी तो बाकी की टीम अपनी शर्मिंदगी उसको ना हो, क्लीन स्वीप ना हो जाए, इसके चलते फील्ड में उतरती ही नहीं थी, वॉकओवर दे देती थी। मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में वैसे ही बिहार के लिए कम से कम कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया, सरेंडर कर दिया है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है इसी के कारण बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और यही दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा नीचे दबा करके और उनके साथ भी जो 4 सीटों पर टकराव है उसमें भी आगे निकलने की कोशिश कर रही है। बाबा बीजेपी का एक दबाव तो और है जी, जो अमित शाह का लगातार दौरा जी, प्रधानमंत्री का दौरा जी, प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, 3 या 4 बार, कल शायद वो फिर आ रहे हैं बिहार, पटना में रात्रि विश्राम करेंगे जी। अमित शाह आज 19 मई के अभी तक 7 बार पटना आ चुके, बिहार आ चुके हैं और 9 सभा कर चुके हैं जी। आज उनकी सभा बेतिया में है जी। तो इस तरह से ये कांग्रेस, ये बीजेपी के नेताओं का इतना आना, ये कांग्रेस और आरजेडी के लिए दबाव ही न है। आपने पूरे चुनाव में 4 चरण के चुनाव हो गए, आपने सुना था क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि चुनाव के बाद हम देख लेंगे? नहीं। 4थे चरण के बाद ये बात निकल के सामने आई है, और ये तब निकल करके आई है जब अमित शाह रात्रि विश्राम करके गए, अपने लोगों के साथ मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद नया एजेंडा सेट किया गया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे ही करेंगे, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पूरे समीकरण के साथ रणनीति बनाई जा रही है। कल ही संपादक नवनीत शाह से मेरी बात हो रही थी, बक्सर में वो थे, हमारी टीम एक टीम बक्सर में है, एक टीम काराकाट में है, काराकाट में भी उन दिग्गजों को बुलाने की तैयारी चल रही है नए स्ट्रेटजी के तहत, जहां उपेंद्र कुशवाहा के लिए बेहतर माहौल बन सके। धीरे धीरे बक्सर में भी तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री को बुलाने की। बक्सर में हेमंत विश्व शर्मा को कल बुलाने का मकसद ही यही था, योगी को भी बुलाने की तैयारी चल रही, योगी आदित्यनाथ वो आ करके और वहां आनंद मिश्रा का पूरा गेम पैक करने, उन्होंने गेम पैक कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये आदमी तो मुझसे और कुछ कह के आया था, झूठ बोला है हमसे, हमसे नहीं बोला था कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव बाद इसको यहाँ से पकड़ के हम ले जाएंगे, हमको क्या पता था कि भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए आया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, तो ये भी एक तरह का दबाव है। और इन सारी बातों को लेकर के जब कांग्रेस ने सरेंडर कर ही दिया, तो निश्चित रूप से एक शख्स हैं जो लगातार इसमें मेहनत कर रहे हैं, जमीन आसमान एक किए हुए हैं, टूटी कमर लेकर के स्ट्रेचर, माफ कीजिएगा, व्हील चेयर पर जा करके चुनाव प्रचार करते हैं, उस तेजस्वी यादव को टेंशन में होना बिल्कुल बनता है, और लगातार वो टेंशन में है भी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कौन सी बात कहें, कौन सी बात नहीं कहें, किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरें और किस मुद्दे पर नहीं घेरें, नीतीश को घेरने से क्या फ़ायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को घेरने से क्या फ़ायदा होगा। सिंपल बात आप समझ लीजिए कि एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव जितना अधिक टेंशन में बढ़ते जाएंगे उतना अधिक एनडीए को फायदा होता चलेगा। आज एक शायद वीडियो भी तेजस्वी यादव ने जानबूझ के लीक किया है या जारी किया है, हेलीकॉप्टर का वीडियो आप देखे होंगे, वो तीसरा चौथा वीडियो है वो चुनाव प्रचार का। हाँ, बड़ी हेलीकॉप्टर में ही कौन सी ऐसी मंत्रणा करते हैं मुकेश सहनी के साथ जिसका वीडियो ये जारी करते हैं, मतलब ये लगता है प्लान के तहत है क्या? कभी कभी होता क्या है ना कि एक्सपोज अपने आप को करते हैं, जब आप सिनेमा हॉल में टिकट कटा लेते हैं जाने के लिए, अगर फिल्म खराब भी हो तो एसी का मजा लेने के लिए आप वहाँ 3 घंटा चिपके रहते हैं, झपकी मार लेते हैं 3 घंटा, कुछ भी कर लेते हैं 3 घंटा आप चिपके रहते हैं। बिल्कुल उसी सिनेमा की तरह तेजस्वी यादव को ये समझ में आ गया है कि 2019 में हम क्या उखाड़ लिए कि इस बार गड़ा हुआ खूंटा जो है उसमें उखाड़ेंगे,
टक्कर जरूर दे रहे हैं, चीज़ें बहुत हो रही हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि अंततः कई लोग हैं जो इस बात को लेकर कहेंगे कि ये गोदी मीडिया है, मनुवादी है, प्लान है, ठेकान है। मैसेज हमने कई कभी सा जी काफी सारा पढ़ा है, कमेंट हम पढ़े हैं गोदी मीडिया। बगल में इनको बैठाए हुए हैं, ये भी पंडित जी हैं, आप भी पंडित जी हैं, आप लोग मिलकर के नहीं, पंडित जी वाला बात नहीं, हम लोग पत्रकार हैं, जाति हम लोग की पत्रकार की है, और हम लोग वो नहीं कर सकते हैं जिसको आप रियल में सही में गोदी मीडिया कहते हैं, वो हम नहीं हैं। आप एक बात याद कीजिएगा आप कि जो गोदी मीडिया दूसरे को कहते हैं वो गोदी मीडिया से बढ़कर के चाइनीज मीडिया हो गए हैं। नहीं तो हम नहीं तो हम उन दर्शकों से ये पूछना चाहते हैं जिसने कमेंट किया गोदी मीडिया जी, क्या लालू ने कांग्रेस को खड़ा होने दिया? क्या लालू ने मुकेश सहनी को खड़ा होने दिया? लालू ने अपने दोनों बेटियों को टिकट दिया, दोनों बेटा को मंत्री बनाया? अगर ये बात कहते हैं तो हम गोदी मीडिया हैं। चंदन जी, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था किसी के प्रति है, इसलिए हम समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को, जिस काम के लिए उनको रखा गया है। अब जैसे आप देखें राजा महाराजा के दरबार में नौ रत्न रहते थे, अलग अलग उनकी क्वालिटी हुआ करती थी। कुछ लोग कोड़ा खाने के लिए रहते थे, कुछ लोग जी हुजूरी के लिए रहते थे, जी हुजूर आपने जो कहा सही कहा, जूता चप्पल उठाने के लिए भी रहते थे, पिकदानी के लिए भी सब लोग रहते थे। तो उसी तरह के लोग जो है ना वो हैं, उनकी बेचारे की नौकरी है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। चलिए बाबा, हम लोग मुद्दे से भटक गए। अब तो लगता है जो कल के बाद चिराग पासवान भी फ्री हो जाएंगे जी, बिल्कुल अपना क्षेत्र उनका हाजीपुर में चुनाव हो जाएगा, तब तो वो एनडीए में और जम के उसका धुआंधार प्रचार करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो अपने ही कई सीटों पर लगातार सांभवी को, राजेश वर्मा को चाहे जमुई में इस सब में लगे हुए थे, कल उनके क्षेत्र का चुनाव है, तो वैसी स्थिति में कल के बाद चिराग और खुलकर सामने आएंगे मुखर होके, क्या लगता है? देखिए, जब 19 सीटों पे वोटिंग हो गई तो भी देखा गया था कि चिराग पासवान ने, चाहे ललन सिंह हो, बड़े बड़े दिग्गज हो, जो ये दावा करते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, उनके सीटों पर भी गए, और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को हर किसी के सीट पर भंजाने की कोशिश की, उनके क्रेज का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी के सीट पर भी वो गए, आपको याद होगा कि वहाँ से भी पासवान उम्मीदवार उतारा गया था अगेंस्ट में, वहाँ भी जाकर के उन्होंने चीज़ों को बदला। इसके बाद अब वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे और एक ही सीट उनका बच जाएगा, वैशाली। अब इस बात के बाद लगातार जब चिराग पासवान इन बाकी के बचे हुए 16 सीटों पर जब मेहनत शुरू करेंगे, जो कि शुरू कर भी चुके हैं, लगातार आपने देखा होगा रोड शो कर रहे हैं और भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, इतना गर्मी में 42 डिग्री तापमान में वो गाड़ी के ऊपर हुड पे बैठ करके घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। आप नीतीश कुमार के बारे में सुन रहे हैं लगातार, एक चीज़ हमको जो जानकारी मिली है, हम भी लगातार लोगों से सुबह से ही बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, बीजेपी नीतीश से ज़्यादा चिराग पर भरोसा कर रही है। बिल्कुल, नीतीश का अपना वोटर उन बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है जी, और चिराग का वोटर बीजेपी को जम के वोट दे रहा है, एनडीए को वोट दे रहा है। नीतीश का कारण बताया जा रहा है पलटी मारने में ये सबसे उस्ताद जी, है। लोकसभा लड़ते हैं एनडीए के साथ, विधानसभा लड़ते हैं आरजेडी के साथ, मतलब ये एक मतलब लालू यादव एक रामविलास पासवान के लिए कहते थे मौसम वैज्ञानिक, केंद्र में जिसकी सरकार बनती है वहाँ जाके सट जाते हैं, तो नीतीश कुमार हमको लगता है उससे बड़े मौसम वैज्ञानिक है। चंदन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, नीतीश कुमार को हम बार बार ये बात कर रहे थे, सोच रहे थे, मंथन कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद क्यों लिया अपने साथ। कल चर्चा के दौरान करीब 2 बजे 2:30 बजे के बाद चर्चा होते होते अचानक से मेरी बातचीत चल रही थी और हम मंथन कर रहे थे, जोड़ घटाव कर रहे थे, गुना भाग कर रहे थे कि हमारी टीम जहाँ जहाँ गई हुई है वहाँ से फीडबैक ले रहे थे। उसी फीडबैक में एक फीडबैक काराकट से हमारे पास आया, आपकी टीम है वहाँ जी, काराकट से जो हमारी टीम ने वहाँ से फीडबैक दिया और एक वीडियो हमको भेजा, हम पूछ रहे थे कि वहाँ फलाने का क्या स्थिति है, कुशवाहा समाज क्या कर रहा है, राजपूतों में क्या है, आम युवा जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग वरिष्ठ क्या कर रहे हैं, किसानों में किस तरह की बात है, ये सारी चीज़ें हम पूछ रहे थे। तो उसी बीच में एक सवाल हमने पूछा कि वहाँ महिलाओं से बात किए, तो महिला वाला एक वीडियो हमारे पास आया, जो वीडियो भारत लाइव पर चल भी रहा होगा। उस वीडियो में हमने एक ही बात देखा कि नीतीश कुमार को, उस वीडियो ने मुझे जो ज्ञान दिया, महिलाओं का समर्थन है, क्यों नीतीश कुमार को लाया गया, वो उस वीडियो में साफ साफ स्पष्ट है
कि नीतीश कुमार का जो सबसे साइलेंट वोटर है वो महिला, महिला, और वो महिला हर हाल में नीतीश कुमार हों, इधर हों, उधर हों, जिधर हों, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाएं नीतीश कुमार के आरक्षण, नीतीश कुमार के महिला को दिए गए काम, शराबबंदी, नीतीश कुमार का शराबबंदी, नीतीश कुमार के विभिन्न समूह, जीविका, जीविका से लेकर के अन्य चीज, आशा दीदी, फलान ठिकाने, ये सब है पुलिस वो, में, पुलिस विभाग में, इन सबको लेकर के, और नरेंद्र मोदी के जो 5 किलो अनाज वाला योजना है जिसे शुरुआत किया था रामविलास पासवान ने, इस सबको जोड़ लीजिए आप, तो वो साइलेंट वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ स्विच किया है। अब इसको लेकर के नीतीश कुमार की उपयोगिता यहीं बढ़ जाती है, और नीतीश कुमार लगातार आप देख रहे होंगे कि महिलाएं मैट्रिक पास कर जाती हैं तो ये करती हैं, इंटर पास कर जाती हैं तो ये कर जाती हैं, आपने लगातार सुना होगा, यानी कि वो एक बूस्टअप जो है ना महिलाओं को अपने तरफ रखने का, वो लगातार नीतीश कुमार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको अडॉप्ट किया, 33% महिलाओं को आरक्षण देने की हर जगह, यहाँ तक कि अब आप बाबा एक चीज़ है, आप एक चीज़ आपने गौर किया होगा, जो अमित शाह और प्रधानमंत्री की रैली में जी उतनी भागीदारी नीतीश कुमार की नहीं रही, मंच बहुत कम जगह साझा किया जी, जी। तो ऐसा नहीं जो गठबंधन तो बना लिया लेकिन एकला चलो के भावना पर बीजेपी चल रही है। इसमें दो बात आप समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, पहला तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग पहचान है, छवि है, और वहाँ उस मंच पर नीतीश कुमार जाकर के अगर हल्की बातें कर दें, 4000 पार करा दें, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए भी वहाँ वो स्थितियाँ एम्ब्रेसिंग हो जाती है। आपको याद होगा कि एक खबर हमने किया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये नीतीश कुमार दोनों एक ही मंच पर थे, शायद औरंगाबाद की वो मीटिंग थी जिस मीटिंग में पहली बार दोनों आमने सामने हुए थे, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इधर उधर बीच में चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, और इस बात को सुनकर के जिस तरह से हंस रहे थे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसके प्रधानमंत्री ही नहीं जदयू के कई नेता हंस रहे थे, बगल में बैठे सम्राट चौधरी हंस रहे थे, और कुछ लोग आवाज थे जो इसकी चर्चा यहाँ पर क्यों, आखिर ये हल्की बातें क्यों हो रही हैं, आखिर क्यों ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो ऐसी चीजों से परहेज करने के लिए ही शायद इस तरह की स्थिति की गई है। दूसरी बार भी एक कोशिश हुई थी, दूसरे मंच पर भी नीतीश कुमार ने लगभग इसी तरह की बातों का फिर से पुनरावृत्ति किया, इसको लेकर के दोनों को अलग अलग दिया गया, और जो नीतीश कुमार को टास्क दिया गया है, लालू परिवार, लालू की फैमिली, लालू के भ्रष्टाचार, लालू के भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को लेकर के आप देखिएगा 2005 से पहले की सरकार को लेकर के उनको एक टारगेट दिया, इसका मतलब यही लगाया जाए जो बाबा जो 2000 नीतीश कुमार के भाषण का एजेंडा अलग है, बीजेपी के भाषण का एजेंडा अलग है, दोनों का क्लैश नहीं करना चाहिए। युद्ध में हर तरह के हथियार अपनाए जाते हैं जिसमें एक हथियार नीतीश कुमार भी हैं, जिनको जिस रूप में यूज करना है कर ही रहे हैं, बाकी उनका वोटर जो है उठता ही। इसके साथ साथ आपने पैटर्न में भी बदलाव देखा होगा, एनडीए का पैटर्न आपको देखा होगा कि एनडीए के हर वो बड़े नेता आपको चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नजर नहीं आ रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है कई दलों का समूह, 20 के आसपास दलों का समूह है, न किसी लेफ्ट वाले नेता को देखा जा रहा है, न कांग्रेस के नेता को देखा जा रहा है, न आपको सपा के नेता को, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है सासाराम, काराकाट, बक्सर, जहाँ गोपालगंज, इन सब सीमा उत्तर प्रदेश से सटी हुई है, वहाँ कहा जाता है जो बीएसपी का सपा का प्रभाव रहता है बिहार में भी, कई बार विधायक भी हुए हैं, जमा खान जो मंत्री हैं इन दिनों वो बीएसपी के ही विधायक थे शायद, तो मतलब वो अच्छा खासा प्रभाव है, हाँ अच्छा खासा प्रभाव है, वहाँ वोट मिलता है बीएसपी का, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से वहाँ प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, वो काफ़ी प्रभावित करते हैं, वहाँ क्षेत्रीय दल प्रभावित करते हैं। अब तो आपने देखा होगा कौन सुहेल दास पार्टी है, सुहेल नाथ पार्टी है, वो भी आकर के यहाँ चुनाव प्रचार, किसान नेता हैं वो भी यहाँ प्रचार करते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक बात और एड ऑन करना मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हो जो एनडीए गठबंधन की अगुवाई कर रही है, या राष्ट्रीय जनता दल हो जो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही है, इसमें कई ऐसे नेता हैं जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में है और चीज़ों को बदल सकते थे, वो अपने क्षेत्रों में इतना ज़्यादा परेशान हैं, फंसे हुए हैं कि वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। शुरुआती दौर में उपेंद्र कुशवाहा को यूज़ किया गया, लेकिन जैसे ही आपने देखा होगा कि नाम आया पवन सिंह का, उसके बाद वो अपने क्षेत्र तक सीमित होकर के रह गए। लड़ाई कितनी कड़ी है ये अलग बात है। ललन सिंह का भी, ललन सिंह का भी वही हुआ, वहाँ जैसे अशोक महते वहाँ आए जी, लेकिन अब तो वहाँ चुनाव हो गया, ललन सिंह को बाहर निकलना चाहिए, ललन सिंह को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ललन सिंह का जो शैली है उस शैली को कितने लोग पसंद करते हैं,
उपेंद्र कुशवाहा की अलग शैली है, ललन सिंह की अलग शैली है। ललन सिंह कहीं जाएंगे तो वहां जाकर के किसी को ठेल लेंगे तेज प्रताप जी साहब। हमको तो बाबा बीजेपी और जेडी और आरजेडी का जो है ना कल्चर बहुत अलग है। आप देखे होंगे गिरिराज सिंह बेगूसराय से फ्री हुए लगातार प्रचार कर रहे हैं जी, वो फायर ब्रांड की तरह ठीक हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान पर अपना बाइट दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। उनकी वही प्रकृति रही है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट भी करती है। दूसरा यूपी में भी चुनाव है, योगी आदित्यनाथ वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बिहार दो हजार बिहार हमको कन्हैया कुमार की बात कीजिए, कन्हैया कुमार भी अपनी ही सीट पे फंस गए हैं, इसलिए वो भी बिहार नहीं आ सकते हैं, उनको तो ऐसे भी। कन्हैया कुमार बाबा इतना कोई बहुत मास लीडर नहीं थे, जो आते तो कोई बहुत ज्यादा दबाव डालते या आपको राजनीति की दिशा बदल देते या वोटों की दिशा बदल देते। स्टार प्रचारक की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट लाइन के लीडर नहीं आ रहा है तो सेकंड लाइन को भेजा जा सकता है, थर्ड लाइन को भेजा जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता तो गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी, आप एक बार आप ही लोग चर्चा कर रहे थे, आप और नमन जी, जो भागलपुर में उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, ऐसी चीजों को फंसा दिया गया जिस कारण से वो गुस्सा में मंच से उतर गए इमीडिएट, तो भाग रहे थे, पकड़ के रोका गया, उसके बाद इतना गुस्सा हो गया जो फिर बिहार का ट्रिप ही नहीं बना अभी तक उनका, जबकि उनके सबसे खासम खास लड़ रहे हैं महाराजगंज में, मतलब खासम खास के बेटा। जी, बिना सूचना के कुछ ऐसा मंच पे कर दिया था तेजस्वी यादव ने, जिसको लेकर के दोनों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि वो भागलपुर में प्रचार करने आए थे, भागलपुर बांका के लोगों को वहाँ पहुँचना था, लेकिन भागलपुर से लेकर के माफ कीजिएगा पूर्णिया से लेकर के जो पहुँच गए बीमा भारती को, उसको लेकर के काफ़ी नाराज थे राहुल गांधी, क्योंकि वहाँ वो चाहते थे कि पप्पू यादव को टिकट मिले। राहुल गांधी का एक नहीं होता है बाबा, एक होता है बाहर से वायरिंग जी, एक होता है अंडरग्राउंड वायरिंग जी। राहुल गांधी के का पप्पू यादव के साथ अंडरग्राउंड वायरिंग है जी जी, जिसको तेजस्वी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जिससे वो नाराज हुए। अब देखिए अभी पप्पू यादव आज शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, शायद वो घोषणा करेंगे जो जाएंगे हिना साहब के प्रचार में। बिल्कुल, अमेठी भी गए, रायबरेली भी गए। तो बाबा हम लोग मुद्दे पे आते हैं, हम लोग मुद्दे से भटक गए थे जी। मुद्दे से आते हैं पर आते हैं, जो बीजेपी का जो गेम प्लान है, जिस तरह से स्ट्रेटजी हो रहा है उसका, इसको कहते हैं, इसको कहेंगे दबाव। इस दबाव में कहीं परेशानी में फंस गए हैं तेजस्वी जी। अब ऐसा ना हो जो आदमी, अगर मान लीजिए एक छः बॉल में अगर चार बाउंसर अगर कोई बॉलर मारता है तो हो सकता है एकाध ओवर के बाद वो बैट्समैन आउट हो जाता है, आउट हो जाता है, और नो बॉल भी दिया जा सकता है, नो बॉल भी दिया जा तो सकता है। स्थिति ये लगभग यही है कि तेजस्वी यादव प्रयास तो कम नहीं कर रहे हैं, प्रयास तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों से वो चुनाव लड़ने के लिए उनके विरुद्ध खड़े हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, और रिजल्ट में क्या होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी दबाव बढ़ा रही है, कांग्रेस का सरेंडर साफ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ टेंशन में तेजस्वी यादव हैं ये भी समझ में आ रहा है, तेजस्वी यादव का साथ देने वाले लोग भी परेशान हैं ये भी नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो उनको काम दिया गया है, जिस अस्त्र शस्त्र को लेकर के वो अपने अंदर बम बांध करके जो कूदना है वो बार बार कूद जा रहे हैं, इसके साथ साथ चिराग पासवान अपने मास लीडर होने का जो एक नया तमगा उनको मिला है यूथ कनेक्ट होने का, उसको लेकर के भी उनके साथ कई लोग नए जुड़े हैं, जिनके साथ भी आप देखे होइएगा, जैसे सायन कुणाल उनके साथ जुड़े हैं। सायन कुणाल के साथ जुड़ने से संभवी तो उसके बाद आई हैं, लेकिन सायन कुणाल के जुड़ने से उनके साथ एक यूथ का देखिएगा बहुत बड़ा हुजूम लगा है। वहीं आप उनके वर्मा जी के, राजेश वर्मा के बारे में भी कह सकते हैं, वो भी यूथ लीडर हैं, उनके साथ भी कनेक्ट किए हैं। ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो वेद पांडे हैं जो यूथ के लीडर हैं। सबसे बड़े मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के जो जी, मतलब कहें जो गुण सीख के आए हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अशोक चौधरी जी, ये सारे लोग उनके साथ खड़े हैं, तो दैट मीन्स कि आने वाला जो 18 सीटों का चुनाव होगा, या फिर एक हम तो 21 सीट की मान के चलें, 21 सीटों का चुनाव होगा, उस सीट चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने गिरफ्त में, जैसे घेराबंदी नहीं होती है कि बराबर घेराबंदी करके आप भीतर में ही सब कुछ रहता है, अगर कोई बाहर से आया तो उधर धड़ाधड़ उड़ा दिया जाता है, गार्ड रखा जाता है, उसके लिए पुलिस व्यवस्था होती है, पुलिसिया व्यवस्था होती है, सारा चीज़ घेराबंदी करके कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अब उसको पैक करना चाहते हैं कि 21 सीट पर थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं, रिस्क नहीं लेना है। लेना। तो आप सुन रहे थे मुद्दे की बात में बीजेपी के घेराबंदी, कांग्रेस का सरेंडर, बीजेपी के घेराबंदी से तेजस्वी में टेंशन, और चिराग कल के बाद फ्री होने के बाद किस तरह एनडीए का साथ देंगे, नीतीश भी साथ दे रहे हैं,
नीतीश को एक एजेंडा फिक्स कर दिया गया है एनडीए में कि आपको इसी मुद्दे पर, इसी लाइन पर आगे बढ़ना है, इसी मुद्दे पर वो बढ़ भी रहे हैं, इसी लाइन पर आगे बढ़ भी रहे हैं। आप देख रहे थे मुद्दे की बात, कैसा लगा मुद्दे की बात, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।